फ्रेंड्स, साइकस के बारे में हम सभी लोग तो जानते हैं। साइकस जो है वो एक आउटडोर प्लांट है। इस प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बड़ा होता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो क्या एक साइकस प्लांट को एक छोटा सा खूबसूरत सा बॉन्साई तैयार कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे ही है, कैसे हम लोग एक छोटा सा साइकस प्लांट को बहुत ही खूबसूरत सा बॉन्साई तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो छोटा सा साइकस प्लांट आप लोग देख रहे हो, इस प्लांट को मैं इसका जो मदर प्लांट है उधर से ही बल्ब कलेक्ट करके रेत के अंदर एक महीने तक रख दिया था। फिर ये जो नया लीफ सामने आया है वो आप लोग देख सकते हो। इस साइकस प्लांट को मैं 6x6 इंच ग्रो बैग के अंदर एक महीने तक लगा कर रखा था। अब मैं इस छोटे से साइकस प्लांट का सॉइल मिक्सचर तैयार करूँगा। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं जो सॉइल मिक्सर बना रहा हूँ उसमें 50% गार्डन सॉइल, 20% बोन मिल और 30% मैं सिटी कंपोस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग भार्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सभी चीज़ को एक साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, प्लांट को लगाने के लिए मैं इधर 6x6 इंच फाइबर पॉट का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इस प्लांट को ग्रो बैग से बाहर निकाल लूँगा। फ्रेंड्स, बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा ब्लेड से ग्रो बैग के ऊपर एक कट लगाने के बाद आप बहुत ही आसानी से इस प्लांट को बाहर निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुपम एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग पे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, मैं बहुत आसानी से इस प्लांट को ग्रो बैग से अलग कर लिया। अब लोग इस प्लांट का रूट स्ट्रक्चर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से ग्रो हुआ है। अब मैं इस प्लांट को छोटा सा पॉट के अंदर शिफ्ट करूँगा। पहले से जो मैं सॉइल तैयार करके रखा था उस सॉइल को मैं इस छोटे से पॉट के अंदर डाल दूंगा, फिर प्लांट को लगा के सॉइल से इसको फिल कर दूंगा। फ्रेंड्स, प्लांट को लगाने के बाद इसमें बहुत ही अच्छे से वाटरिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं वाटर स्प्रे की मदद से बहुत ही अच्छे से इसमें वाटर स्प्रे करूँगा। प्लांट को इस पॉट के अंदर अच्छे से फिट होने तक मैं इसको छांव के अंदर 15 से 20 दिन तक ऐसे ही रख दूँगा और थोड़ा थोड़ा करके पानी दूँगा। लगभग 15 डेज़ का मैं अपडेट दे रहा हूँ। ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से फिट हो गया है। मेरे पास कलरिंग स्टोन नहीं है इसलिए मैं डाल नहीं पाया। आप लोगों के पास कलरिंग स्टोन है तो डाल के इस प्लांट का लुक है वो एनहेंस कर सकते हो और आपका गार्डन का जो लुक है वो बढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।